रेट चल रहा है? खालसे का रेट 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो चल रहा है। हाँ जी। सब्जियाँ खरीदते हैं? हाँ जी। क्या रेट चल रहा है सब्जियों का? सब्जियों का ये जो प्याज है आप कह रहे हैं ना डबल रेट पे खरीद रहे, ये 650-680 रुपए मंडी का रेट चल रहा है और ये 150 बेच रहे हैं। हाँ जी। और ये दड़ी का रेट बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, दड़ी का। हाँ जी। 10 रुपए किलो और 15 रुपए किलो की कमाई रख के वो सौदा बेच रहे हैं। मैं सब्जियाँ नहीं बेच रहा। अगर आप मंडी में जाए, फल मंडी में, वहाँ पे आपने मुझे भी बताया की 250 रुपए किलो है फालसा। उधर मेरी बात सुन ले, मंडी से भी आपको 250 किलो मिले, हाँ यहाँ आके भी 250 किलो आपने बेचना, तो फायदा होगा आपको, फायदा होगा। एक मिनट बात सुना, ये जो होता है ना ये क्वालिटी का फर्क होता है। अच्छा। जो गिल्ला होता है ना वो उसका रेट कम होता है। सर, मैं तो कीमत की बात की। कीमत क्वालिटी का फायदा होता है, क्वालिटी की। हाँ जी। अदरक है, अदरक 650 का मंडी से लेके आए हैं, यहाँ पे भी आके 650 का बेच रहे हैं, तो कितने पैसे का फायदा होगा आपको? मंडी में 650 नहीं है, कम है। सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। आप अगर 28 साल से फल बेचने का काम करेंगे आपको रेट उसका पता नहीं होगा? पता होता है, रोजाना का रेट का पता होता है हमें, लेकिन रेट में रेट का नहीं पता होगा। क्या कीमत है? 230 रुपए। अच्छा, आप कितने का बेच रहे? 250 रुपए। क्या बचा? हमें महंगा मिलता है पीछे से। अच्छा। हाँ जी। हम 850 रुपए दड़ी लेके आए हैं, 220 रुपए हमें पड़ता है और ऊपर खर्चा डाल के 230 बढ़ जाए, हम 250 बेच रहे हैं। जब आप लोगों के खिलाफ जुर्माने किए जाते हैं और भारी जुर्माने होते हैं, 5,000-5,000, इतना तो आपकी एक दिन की कमाई भी नहीं होगी, बल्कि ज्यादा ही होगी, कोई डबल कीमत है वसूल कर रहे हैं, 10-10 हजार की तो कमाई होगी एक दिन। सही है, है ना? हम 10-10 हजार कमाते हैं, रेड़ियां थोड़ी लगाते हैं। हाँ। कोई और कारोबार कर लेते हैं, कोई और कारोबार कर लेते हैं, 10-10 ये नहीं बचता। जुर्माने होते हैं तो कोई और कारोबार ही कर लो ना, डबल। हमारा और कोई कारोबार है नहीं।